फ्रेंड, आई एम सिद्धार्थ राज, वेलकम बैक टू मदर वीडियो। आज के वीडियो में मैं ऐसे कॉलेज के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूं जो मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेज से अच्छे हैं। मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेज 16 लाख 17 लाख 18 लाख लेते हैं, उसके बदले में 3.4 5 लाख का तुमको प्लेसमेंट देकर के वहां से निकाल देते हैं। आज मैं ऐसे कॉलेज के ऊपर बात करूंगा जहां पे तुम 3 से 4 लाख इन्वेस्ट करोगे, इन्वेस्ट रहेगा तुम्हारा 3 से 4 लाख इन्वेस्ट करोगे, वो भी क्या, ट्यूशन फी प्लस हॉस्टल फी। उसके बाद रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट 5 लाख का है, ठीक है। इस कॉलेज को तुम कंसिडर कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग जस्ट मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मैं ट्राई करूंगा, मेरे कॉन्टेक्ट में लगभग 42 to 43 कॉलेज है जिसे तुम ज्वाइन कर सकते हो। और एक बात मैं बता दूं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर उस टाइप का नहीं मिलेगा जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तुमको मणिपाल, VIT, कलिंगा सब देगा, ठीक है। बाकी सब कुछ कंपेयर कर लोगे तो उससे अच्छा ही मिलेगा, ठीक है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर कैंपस लाइफ तुमको यहाँ पे नहीं मिलेगा। चलो मैं कॉलेज के ऊपर डिस्कशन करता हूँ, इसे तुम कंसिडर कर सकते हो। बाकी जो भी प्रोसेस होगा, इसमें कैसे एडमिशन होता है, वो सबके रिगार्डिंग अगर तुमको कंप्लीट रिव्यू चाहिए होगा तो मेरे को बोलना। बस मैं ट्राई करूंगा 1 से 2 वीडियो डेली डाल दूं, कम से कम तुम सभी के पास एक आइडिया हो जाए। किसी भी वो कॉलेज में मत चले जाओ जो दिन भर अपना एडवर्टाइजमेंट कराते रहता है, ये सब कॉलेज अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं कराता है, इसी कारण बहुत कम लोग को ही पता रहता है। और तुम्हारा रैंक अगर 40,000 से लेकर के 8 लाख तक भी है जेईई मेंस में, फिर भी तुमको ये मिल जाएगा, ठीक है। चलो मैं इसको डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं इस कॉलेज का अगर NIRF रैंकिंग के ऊपर बात करूँ, 89th NIRF रैंकिंग है उसका। अगर मैं ट्यूशन फी के ऊपर बात करूँ, लगभग 3,20,000 इसका ट्यूशन फी है। अगर तुम हॉस्टल फी को भी इंक्लूड कर दोगे, लगभग 5 लाख तुमको लगेगा 4 साल में। सब कुछ मस्ती उस्ती करने के बाद भी कितनों देख लोगे, 6 लाख तुम्हारा मात्र यहाँ पे पड़ेगा 4 साल का। और ये 6 लाख देखो तुम देश करो कितना का ले रहे हो, तुम ये भी देख लेना एक बार। उसके बारे में बात करूं कितने रैंक में ओपनिंग होता है, कितने में क्लोज होता है। अगर तुम्हारा 40K तक रैंक है तुम्हारा, हाँ तुमको CSE मिलने का चांस बनता है। ये मैं जनरल कैटेगरी के ऊपर बात कर रहा हूँ। अगर तुम OBC ST SC हो तो उसके लिए अलग और भी हाई जा सकता है। उसके बाद में बात करूं भैया क्लोजिंग रैंक क्या है, लगभग 8 लाख तक तुम्हारा क्लोजिंग रैंक है, मतलब यहाँ पे 8 लाख तक तुम्हारा रैंक आया है, फिर भी तुमको बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हाँ भैया इसमें मोड ऑफ एडमिशन क्या है, देखो इसका काउंसलिंग जैक काउंसलिंग के थ्रू होता है और लेता किसके, जेईई मेंस के स्कोर कार्ड पे लेता है। जैक काउंसलिंग जेईई मेंस के स्कोर कार्ड पे, जैसे ही जैक काउंसलिंग स्टार्ट होता है मैं ट्राई करूंगा तुम सभी तक इन्फॉर्म कर देने का, ठीक है। उसके बाद में बात करूं मेन इंपॉर्टेंट चीज इसका, भैया प्लेसमेंट कैसा है यहाँ का, यहाँ का प्लेसमेंट A1 क्वालिटी का है। अगर मैं यहाँ का एवरेज प्लेसमेंट के ऊपर बात करूं, लगभग 5 लाख 6 लाख बोल सकते हो एवरेज प्लेसमेंट है, 5.5 लाख यहाँ का एवरेज प्लेसमेंट है तुम्हारा। और बाकी इसके रिगार्डिंग कुछ भी डिटेल चाहिए तुम गूगल कर सकते हो या फिर मेरे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ट्राई करूंगा सर कंप्लीट रिव्यू डाल देने, कौन कौन से कंपनियां, कितने नंबर ऑफ बच्चे प्लेस्ड हुए, कौन कौन से ब्रांच, कितना कट ऑफ गया। अगर चाहिए होगा तो मेरे को बोलना, बट एटलीस्ट एक बार इस कॉलेज को तुम सर्च कर लेना, गूगल पे कर लेना सर्च, ठीक है, कैसा कॉलेज है। और मेरा ऑलरेडी एक फ्रेंड इस कॉलेज में पढ़ता है, चाहिए होगा तो मेरा इंस्टाग्राम पे जाके तुम मतलब देख सकते हो मेरा फ्रेंड लिस्ट में। हाईएस्ट प्लेसमेंट कितना है यहाँ का, देखो हाईएस्ट प्लेसमेंट 17 लाख का था पर अब 31 लाख का हो गया, देख सकते हो तुम यहाँ पे 5 लाख में सब कुछ कंप्लीट कर रहे हो। उसके बाद 5.5 लाख का तुमको प्लेसमेंट मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, मस्ती नहीं मिल रहा है। जो मस्ती तुमको मतलब मैं कॉलेज का नाम नहीं लूंगा, जो मतलब टॉप के प्राइवेट कॉलेज है जो कि तुमसे लूट रहे हैं, वो सब तुमको जो मस्ती देंगे वो मस्ती तुमको ये प्रोवाइड नहीं करेगा, उस तरह कैंपस लाइफ नहीं मिलेगा जो कि मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेज वो प्रोवाइड करते हैं। इसी कारण से ये सोच लो क्या लाइफ चाहिए या पढ़ाई चाहिए, पढ़ाई चाहिए तो ये सब कॉलेज कंसिडर करो, अगर लाइफ चाहिए मस्ती करना जिंदगी में पूरा तो हाँ टॉप के प्राइवेट कॉलेज तुम कंसिडर कर सकते हो। टॉप के वो कौन सा जो तुमको लूट रहे हैं, टॉप के कुछ अच्छे अच्छे प्राइवेट कॉलेज है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो कॉलेज जो लूट रहे हैं उसके कंपेरिजन में बहुत अच्छा है। अगर मैं बात करूं कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ प्लेस हो जाते हैं, 90% स्टूडेंट यहाँ पे प्लेस्ड हो जाते हैं। और बात रहा कौन कौन से कंपनी विजिट करते हैं, वैसा कोई भी कंपनी जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है लगभग सारे कंपनी यहाँ पे आ चुके हैं। देखो बड़ा कंपनी का बात करूं, गूगल भी आ चुका है यहाँ पे, उसके अमेजॉन भी आ चुका है, माइक्रोसॉफ्ट भी आ चुका है, और ऐसा ऐसा मास रिक्रूटर तो बहुत सारा आते ही है, सारे कॉलेज में आते हैं, यहाँ भी बहुत सारा है, मतलब अच्छे से अच्छे कंपनी यहाँ पे आ रहे हैं। तुम यहाँ पे आके मेहनत कर लोगे तो बहुत अच्छा कर लोगे, इस बात को तुम याद रखना। मेरे ओपिनियन में इस कॉलेज तुम कंसिडर कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने NIRF रैंकिंग बता दिया है, इंस्टीट्यूशन फी बता दिया है, ओपनिंग रैंक बता दिया हूँ, क्लोजिंग रैंक बता दिया हूँ, तुम्हारा काउंसलिंग का प्रोसेस बता दिया हूँ, प्लेसमेंट के बारे में बता दिया हूँ, कंपनी बता दिया हूँ, कौन कौन से कंपनी विजिट कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस हुए, सब कुछ बता दिया। और कॉलेज के नाम के ऊपर बात करूँ तुम्हारा, UIIT पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़,
वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, तुम इसे गूगल पे सर्च कर सकते हो। और इसके रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा तो मेरे से तुम कमेंट सेक्शन में बोलो, या फिर मेरे से पर्सनली कोई डाउट होगा तो इंस्टाग्राम पे आके जुड़ सकते हो। यहाँ पे वीडियो को मैं एंड करता हूँ, मैं ट्राई करूंगा ऐसे सारे कॉलेज को कवर कर देने का। बस मैं इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्या आने वाला सारा नोटिफिकेशन तुम सभी तक पहुंच सके। होप दिस इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।